तो फाइनली नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्यानंद। स्वागत करता हूं आप सभी का डिजाइनिंग मंत्र में। एक और नए वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले इसरो की तरफ से दो नए नए कोर्सेज को यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसे कोई भी स्टूडेंट यहां पर इनरोल कर सकता है। बता दूं, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही कि इन कोर्सेज के लिए अगर आप इनरोल करेंगे तो कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप सभी को एक सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इन कोर्सेज को आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में पूरी बात करने वाले कैसे आपको कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। कोर्सेज को आपको कैसे ज्वाइन करना होगा, इसके बारे में भी पूरी बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो फाइनली हम लोग यहां पर इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं, जिसके लिंक भी मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। इस साइट के अंदर आपको टाइम टू टाइम नए नए कोर्सेज को यहां पर लॉन्च की जाती है, लेकिन हर एक कोर्सेज यहां पर स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में जिस दो कोर्सेज के बारे में बात करने वाले, उसे स्टूडेंट भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। पहला कोर्सेज यहां पर आप देख सकते हैं, कोर्स की आईडी 119 होने वाली है, जिसकी डेट यहां पर जुलाई 10 से लेकर के जुलाई 14 होने वाली है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन की यहां पर कोर्सेज होने वाली है। कोर्सेज का आप लोग नाम यहां पर देख सकते, टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होने वाली है। वहीं दूसरी कोर्सेज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ओवरव्यू ऑफ जियो प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन। हालांकि इस कोर्सेज को पहले भी लॉन्च किया गया था और यहां पर आप डेट देखते हैं, पुरानी डेट यहां पर दिखाई जा रही है, लेकिन यहां पर रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। इस कोर्सेज के लिए भी रजिस्ट्रेशन यहां पर ओपन हो चुकी है, तो आप लोग इस कोर्सेज को भी यहां पर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पाइथन से रिलेटेड यहां पर ओवरव्यू ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा और भी कई सारी चीजें बताई जाएगी। तो एक एक करके दोनों कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे कैसे आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आपको लॉगिन करनी है, फिर कोर्सेज के लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो फाइनली सबसे पहले इसी कोर्सेज के बारे में बात करने वाले, जो कि यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ जियो प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन होने वाली है। इसकी लिंक भी मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा क्या करिकुलम इसका होने वाला है, कोर्सेज के बारे में क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ GIS एंड डिफरेंट जियोस्पाइथल डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया जाएगा। ओवरव्यू टू प्रोग्रामिंग पाइथन, यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एना कॉन्डेंट जुपिटर नोटबुक के बारे में आपको बताया जाएगा। रेस्टर डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस के बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा। उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन के बारे में भी आपको यहां पर बताई जाएगी। तो अगर आप लोग टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये कोर्सेज को आप लोग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यहां पर सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पर कवर की जा रही है, जो आज के टाइम की जरूरी स्किल्स है, वो सारे स्किल्स को यहां पर कवर किया जाएगा। जैसे अगर बात करें यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताया जाएगा आपको, डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस के बारे में भी बताया जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में भी बताया जाएगा और भी इस टाइप के कई नए नए स्किल्स को आप लोग यहां पर सीख पाएंगे। तो फाइनली इस प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें आप लोग सीख पाएंगे इस प्रोग्राम के बाद, तो यहां पर आप देख सकते हैं, राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू रीड राइट एंड प्रोसेस डिफरेंट रेस्टर फॉर्मेट्स। यहां पर इन सारी चीजों को आप लोग सीख पाएंगे। राइट प्रोग्रामिंग पाइथन, पाइथन में आप लोग प्रोग्राम को लिखना सीख पाएंगे, रीड राइट और प्रोसेस डिफरेंट रेस्टर फॉर्मेट्स को आप लोग प्रोसेस कर पाएंगे। राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन टू रीड राइट एंड प्रोसेस डिफरेंट वेक्टर फॉर्मेट, यहाँ पर राइट प्रोग्राम विजुअलाइज जियोस्पेटियल डेटा इन फॉर्म मैप्स इमेजेस। तो ये सारे आउटकम होने वाले, ये सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम के बाद सीख जाएंगे। अब बात करते हैं कोर्स फी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर फ्री होने वाला है। तो बात आती है कि ये कोर्सेज यहाँ पर फ्री में क्यों लॉन्च की जाती है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, कोर्स की जो फंडिंग की जाती है, द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आप सभी को ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री में इसरो की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब अगर बात करें क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर जरूरी होनी चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उसमें कैमरा होना चाहिए, ये लास्ट डिस्प्ले होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, बस यही सारी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग यहाँ पर इस कोर्सेज के लिए इनरोल कर पाएंगे। कैसे इनरोल करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट बेस्ड ऑन 70% अटेंडेंस एंड 40% इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर आपको 70% अटेंडेंस में लाना होगा, उसके बाद 40% ऑनलाइन एग्जामिनेशन में लाना होगा, जिसके बाद आपको एक वैल्यूबल सर्टिफिकेट यहाँ पर इसरो की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो फाइनली अप्लाइंग प्रोसेस दोनों ही कोर्सेज का एक जैसा है, इसलिए मैं आपको पहले इस कोर्सेज के बारे में भी अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद एक ही बार मैं आप सभी को अप्लाइंग प्रोसेस के बारे में भी बता दूंगा।
यहाँ पर दूसरा कोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होने वाली है, जो कि जुलाई 10 से जुलाई 14 तक यहाँ पर चलने वाली है। कोई भी लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना होगा इस कोर्सेज के लिए, बस आपको इस कोर्सेज को अटेंड करना होगा। 70% आपके अटेंडेंस यहाँ पर होगी तो आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली ये प्रोग्राम भी बिल्कुल फ्री यहाँ पर होने वाला है, आप लोग इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल फ्री में इनरोल कर पाएंगे। उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी आप कंटेंट में जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जिस भी कोर्सेज में आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस कोर्सेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी कोर्स की आईडी बस आपको ध्यान में रखनी होगी, कोर्स का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओवरव्यू ऑफ जियो प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन में इनरोल करना चाहते हैं तो आपको इस नाम को यहाँ पर याद रखना होगा। अब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो दोनों ही लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप देखेंगे अबाउट ऑफ सर्टिफिकेट के ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगी जिस पर आपको क्लिक करना है। तो फाइनली दोनों में ही एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने वाला है, किसी में भी आप लोग जाकर के रजिस्ट्रेशन करें, बस अंदर जाकर के आपको कोर्स को सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल हम बात करते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको क्लास 10 के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर डालनी होगी, फिर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी, ईमेल आईडी को कन्फर्म करना होगा, फिर पासवर्ड को यहाँ पर जनरेट करना होगा, उसके बाद पासवर्ड को रिटाइप करना होगा, फिर कैप्चा को आपको फिल करना होगा। तो अगर आपकी अकाउंट नहीं है तो आप लोग इस टाइप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपकी पहले से अकाउंट है तो आप लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में जाइएगा और फिर लॉगिन कर लीजिएगा। सो फाइनली हमारे यहाँ पर पेज खुलकर आ चुका है, यहाँ से वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कोर्स नेम को सेलेक्ट करना होगा। कोर्स नेम में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा तो जिस भी कोर्सेज में आप एनरोल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इस कोर्सेज के बारे में बताया था टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अगर आप लोग इस कोर्सेज के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसी तरह अगर आप लोग जियो प्रोसेसिंग यूजिंग पाइथन के कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन एक बात आप सभी को याद रखना है, इस कोर्सेज के लिए सीट लिमिटेड होने वाली है। यूजिंग पाइथन वाले कोर्स के लिए सीट लिमिटेड होने वाली है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होने वाला है। तो जरूरी नहीं जितने लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे सबको कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन इस वाले कोर्सेज के लिए आप सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको कोर्सेज को कंप्लीट करना होगा, 70% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इस कोर्सेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है, मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ। पहला इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आप लोग अगर इंडिविजुअल में सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नोडल सेंटर के बारे में नहीं बताना होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन थ्रू इसरो नोडल सेंटर पर जाकर के क्लिक करेंगे, इसका मतलब यहां पर यही होने वाला है कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो इनके साथ इनका टाई अप होना चाहिए। अगर इसरो के साथ आपके इंस्टीट्यूट का टाई अप है तो आप एज ए नोडल सेंटर यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप लोग इंडिविजुअल कर सकते हैं। हां, अगर आपको पता नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट यहां पर इसरो के साथ टाई अप में है या फिर नहीं है तो आप लोग यहां पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं नोडल सेंटर में। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कीजिएगा यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को आ जाएगी। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ IIRS नोडल सेंटर हु हैव ऑप्टेड नॉट टू कंडक्ट द अबव सिलेक्टेड कोर्स। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन थ्रू IIRS नोडल सेंटर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ही करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे जाकर के क्लिक कीजिएगा। फाइनली बेसिक क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है ग्रेजुएट तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपको यहाँ पर इसमें ये सेलेक्ट कर देना है, जियो स्पाइटल टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई वो सॉलिड बैकग्राउंड वगैरह चीज आपको यहाँ पर दी जाएगी, जिसमें क्या करना है आपको यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहले पेज को आप लोग यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दिख जाएगा जिस पर आपको जाकर के क्लिक करना होगा। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर आप लोग मल्टीपल ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक बार में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनली फिर आपका एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को क्लेस चूज करना होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, परसुइंग ग्रेजुएशन है, तो आपको वहां पर उसे क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पर पीजी कर रखा है तो मुझे यहाँ पर पीजी को सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट आपका क्या होने वाला है, बोर्ड यूनिवर्सिटीज का नाम क्या होने वाला है, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या होने वाला है, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर जाकर के क्लिक करना है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, जिसके बाद आप सभी यहाँ पर एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू का मतलब यहां पर यही होता है कि जो सारे फॉर्म आपने फिलअप किया उसे आप लोग अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई गलती रह गई तो उसे आप लोग यहां पर ठीक कर लीजिएगा।
तो सारी चीज़ें फॉर्म फिल करने के बाद सही तरीके से आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर अभी आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको ये सारी चीज़ों को चूज करना होगा, क्वालिफिकेशन को चूज करना होगा, फोटो को अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई टी प्रूफ या कोई और अगर आपके पास आई टी प्रूफ है उसे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। उसके वजह से कि अगर आप लोग वोटर आई कार्ड यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं या फिर आधार कार्ड सबमिट कर रहे हैं तो आधार कार्ड की फोटोज आप सभी को यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर फिर से जाकर के क्लिक कर देना है। तो फाइनली लास्ट में आप देखेंगे एक पेज खुलकर सामने आएगा जिसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पहले यहाँ पर फिल करी होगी सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज में खुलकर आ जाएगा। एक बार आप लोग प्रीव्यू कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग फाइनली लास्ट में अप्लाई का बटन आप सभी को दिख रहा होगा जिस पर आपको जाकर के क्लिक कर देना है। सो फाइनली जैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस आपको यहाँ पर वेट करनी है, जो भी ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया उस ईमेल आईडी पर कोर्स से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन और लिंक्स यहाँ पर सेंड कर दी जाएगी। इनकेस अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आगे कोर्सेज को अटेंड करने में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बता दो इनकी ऑनलाइन कोर्सेज इनके एक अलग पोर्टल पर होती है जो कि ई क्लासेस पोर्टल है, उसके ऊपर ही कोर्सेज को कराई जाती है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी के थ्रू यहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो भी आपको यहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी बस आपको उसे यहां पर फॉलो करते जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहां पर इसरो के नए लॉन्च हुए कोर्सेज को यहां पर कंप्लीट करके सर्टिफिकेट को अपने नाम कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।